अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। साइंसदानों ने इंसानी हाथ की तरह काम करने वाली टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। साइंसदानों ने इंसानी हाथ की तरह काम करने वाली एक मशीन तैयार कर ली। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अतालवी साइंसदानों ने हाथों से मजबूर इंसानों के लिए एक नया मशीनी हाथ ईजाद किया है। इस मसनूई हाथ से 90% से ज़्यादा असली हाथ जैसे काम किए जा सकते हैं। तख्लीककारों का कहना है कि हाथ में मौजूद वायर्स बाजू से कनेक्ट होंगी, जिससे नकल व हरकत बेहतर तरीके से सरंजाम दी जा सकेगी। याद रहे कि चंद रोज़ कबल एक टेक्नोलॉजी कंपनी से ऐसे एयरफोन तैयार किए गए थे जिन्होंने किसी भी ज़बान में गुफ्तगू करने को आसान बना दिया। ये एयरफोन दो अफराद के लिए हैं। मसनूई ज़हनियत की टेक्नोलॉजी से लैस एयरफोन एक दूसरे से गुफ्तगू करने वाले दो अफराद को पहनाने पड़ते हैं। इसके बाद आप अपनी ज़बान में गुफ्तगू करें और आपका मुकाबिल अपनी ज़बान में। एयरफोन में लगा मसनूई ज़हानत का सिस्टम इस गुफ्तगू को सुनने वाले की ज़बान में तर्जमा करके पेश करेगा। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बग़ैर रुके एक दूसरे से बात करना और मतलब समझाना बहुत आसान हो गया है। WT2+ ट्रांस लेटर में 20 ज़बानों का तर्जमा करने की सलाहियत मौजूद है। आज के इस जदीद तरक्की याफ्ता दौर में ईजादात साइंसी तजर्बात के बाद अब सरकारी अमूर भी रिपोर्ट देखने लगे। गैर मुल्की गैर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कम खर्च, तेज़ रफ्तार और दिए गए काम को ठीक से अंजाम देने की सलाहियत ने रोबोट को इंसान पर तरजीह दे दी। रूस के शहर परम के सरकारी दफ्तर में इंसान उमर रोबोट को बतौर खातून क्लर्क भर्ती किया गया, जिसका काम जांच पड़ताल के बाद लोगों को सर्टिफिकेट जारी करना है। उम्मीद करती हूँ आज का पैगाम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।